हाँ तो गाइस, आज हम बात करेंगे जिब्रेलिन सिग्नलिंग पाथवेज, यानी कि जिब्रेलिन किस तरह से ऐसे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर वर्क करता है, किस तरह से इनिशिएट होता है। जिस तरह से हमने ऑक्सिन का देखा था, इसी तरह से ये भी एक अपने इंट्रासेलुलर रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा और इनिशिएट करेगा आपके जिब्रेलिन हार्मोन को। तो यहाँ पर दो थिंग्स आपको मेन इंपॉर्टेंस रोल अदा करती हैं पूरे पाथवे में। एक सबसे पहला होता है इंट्रासेलुलर रिसेप्टर, दूसरा होता है आपकी रिप्रेसर प्रोटीन। तो जिस तरह से ऑक्सिन बाइंड हुआ था, उसी तरह से जिब्रेलिन हार्मोन भी बाइंड करेंगे अपने इंट्रासेलुलर रिसेप्टर से, जिसका नाम होता है GID1, यानी कि जिब्रेलिन इनसेंसिटिव ड्वार्फ 1 प्रोटीन। और ये बाइंड करेंगे आपके हार्मोन के साथ। कई जो वर्क होते हैं जिब्रेलिन हार्मोन के द्वारा, वो होते हैं स्टेम एलोंगेशन है, आपका फ्लोवर का इंडक्शन है LDP प्लांट में, तो और अब सी डोरमेसी को ख़त्म करना है, तो कई सारे वर्क कंप्लीट करता है। तो इसको इनिशिएट जो पाथवे के लिए थ्योरी दी गई थी, उसमें सबसे मोस्ट जो एक्सटेंसिवली थ्योरी है वो है आपकी डेला प्रोटीन सिक्वेंसिंग थ्योरी वाली। तो उसमें डेला प्रोटीन है वो एज ए रिप्रेसर प्रोटीन की वर्क करती है। तो प्रोटीन में एक एन टर्मिनल होता है, दूसरा सी टर्मिनल होता है। तो इसके एन टर्मिनल पर एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है, 5 अमीनो एसिड्स के द्वारा मिला हुआ एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होगा, जो कि डेला प्रोटीन को करेक्टराइज करेगा, यानी कि इसे सबसे अलग दूसरे टाइप के प्रोटीन से उन्हें अलग कर देगा। कौन सा सीक्वेंस? डेला सीक्वेंस। तो ये सीक्वेंस आपके डेला प्रोटीन को अलग से डिफरेंशिएट कर देगा, और इसका मेन फंक्शन होता है जिब्रेलिन हार्मोन को रिप्रेस करना, उसका जो करेक्टर्स हैं उन्हें नहीं आने देना, उन्हें सप्रेस करना, ठीक है। तो आपका जो रिसेप्टर है उसके साथ में आपका जिब्रेलिन हार्मोन यहाँ पे बाइंड हो चुका है, और इनका जो इंट्रैक्शन होगा वो इंट्रोड्यूस करवाएगा डेला प्रोटीन को। डेला प्रोटीन भी यहाँ पे आके बाइंड करेगी, और इसके बाइंड होने के बाद में ये हायर करेंगे GID1 है, जो कि खुद एबॉक्स प्रोटीन जैसे वर्क नहीं करेगा, लेकिन ये इनिशिएट करेगा SCFBOX को यहाँ पर आने के लिए, यानी कि SKP क्यूलिन और एपॉक्स है जो एक लाइगेज होता है, यूबिक्यूटिन लाइगेज, वो यहाँ पे आएगा, और इसके इंट्रैक्शन के बाद में आपको इस तरह का कॉम्प्लेक्स मिलेगा, इस टाइप का कॉम्प्लेक्स, जिसमें आपके रिसेप्टर भी है, हार्मोन भी है, डेला प्रोटीन भी है, और यहाँ पे ये यूबिक्यूटिन लाइगेज भी है। इसका मेन फंक्शन होता है एक स्पेसिफिक मॉलिक्यूल को टारगेट करना, और आपके जो प्रोटोसोम लाइगेज हैं उन्हें यहाँ पे इनवाइट करना। तो ये डेला प्रोटीन को टारगेट करता है, और 26 प्रोटोसोमल जो लाइगेस हैं वो उन्हें यहाँ पे इनवाइट करेगा। उनके आने के बाद में डेला प्रोटीन्स है उसे डिग्रेड कर दिया जाएगा, और इसके डिग्रेडेशन के बाद में आपका जो जिब्रेलिन हार्मोन है वो इनिशिएट हो जाएगा, और उसके करेक्टर्स हैं वो अपने फुल करेक्टर यहाँ पर प्रोवाइड करेगा। तो ये सीक्वेंस है गेला सीक्वेंस, डेला सीक्वेंस। ये आपका एस्पार्टिक, ग्लूटामिक, ग्लूसिन, ल्यूसिन और एलिनिन अमीनो एसिड्स के द्वारा बना हुआ एंड टर्मिनल एंड पे ये सीक्वेंस मिलेगा, तो उस प्रोटीन को बोलोगे आप डेला प्रोटीन। तो ये बेसिक सा सिग्नलिंग पाथवे किस तरह से इनिशिएट हुआ। दो थिंग्स हैं यहाँ पे जो मेन रोल प्ले कर रही हैं आपकी, एक डेला प्रोटीन रिप्रेसर प्रोटीन है जो कि उसके करेक्टर्स को आने नहीं देती, दूसरा रिसेप्टर है जिससे सबसे फर्स्ट रोल जिब्रेलिन हार्मोन इसी से बाइंड करेगी, यानी एज ए इंट्रासेलुलर रिसेप्टर यहाँ पे काम करता है। तो इट इज़ द बेसिक सिग्नलिंग पाथवेज। आई होप गाइस यू विल गेट इट। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन कमेंट डाउन बिलो।